हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आचार्य विष्णुगुप्त चाणक्य की क्लास में आपका स्वागत है। एक्चुअली आई एम ट्राइंग टू गो थ्रू ऑल योर कमेंट्स एंड मैसेजेस ऑन सोशल मीडिया एंड इन द कमेंट बॉक्सेस, लेकिन आपने इतने भर भर के कमेंट्स भेजे हैं और सवाल पूछे हैं कि आई एम जस्ट सिंपली ओवरवेल्म्ड। आपकी तारीफों के लिए बहुत सारा शुक्रिया। आपकी और मेरी लर्निंग की जर्नी फ्रॉम द ग्रेट टीचर चाणक्य एक साथ ही चल रही है। इस एपिसोड को भी आपके सवालों के आधार पर ही तैयार किया है मैंने। आचार्य चाणक्य तो ओशन है, लेकिन हम तो अपनी कैपेसिटी के हिसाब से कुछ बाल्टी ही ले पा रहे हैं, है ना? वो कहते हैं कि धीरे धीरे रे मना, धीरे धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सौ घड़ा, ऋतु आए फल होए। मुझसे आप में से कई लोगों ने पूछा है कि हम अचीवर बनने के लिए अपने अंदर कौन से चेंजेस ला सकते हैं, हम क्या सही कर सकते हैं और किन गलत चीजों को चेंज कर सकते हैं। हम स्टार्टअप और प्रोफेशनल सेटअप के लिहाज से ये बातचीत करेंगे, लेकिन ये मैनेजमेंट लेसन के साथ बहुत इंपॉर्टेंट लाइफ लेसन भी है, तो जिनको स्टार्टअप भी नहीं करना उनके लिए भी ये उतना ही जरूरी सबक है। आचार्य चाणक्य ने एक सफल व्यक्ति के कुछ लक्षण बताए हैं। उन्होंने कहा है, स्वर्ग स्थितानाम एह जीव लोके चत्वारि चिन्हानि वसन्ति देहे, दान प्रसंगो मधुरा च वाणी, देवाचनम ब्राह्मण तर्पण च। इस श्लोक का अर्थ ये है कि जो व्यक्ति स्वर्ग से आता है, यानी अच्छे गुणों वाला इंसान, उसके चार गुण यानी क्वालिटीज होती हैं। पहला कि मधुर भाषी यानी पोलाइट होता है, सभी से प्यार से बात करता है, उसकी बातों में अहंकार यानी ईगो या तलखी नहीं झलकती है। दूसरा गुण होता है कि वो अपना काम ईमानदारी से करता है। तीसरा गुण है, इसमें दान देने की शक्ति होती है। अब इस बात को समझने की जरूरत है कि आप दान तभी दे पाएंगे जब खुद के पास कोई कमी ना हो। अगर आप खुद की ही चीजों के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं तो दूसरे की हेल्प भी नहीं कर पाएंगे। इसीलिए अपने ब्रांड को कॉज ओरिएंटेड बनाइए, कोई ग्रेटर गुड भी उसमें शामिल करिए। इट विल मेक योर प्रोडक्ट टफ टू इग्नोर। चौथा गुण है कि वो योग्य लोगों को वेलकम करता हो, उसका सेल्फ एस्टीम इतना कमजोर ना हो कि खुद से ब्राइट लोगों को बर्दाश्त ना कर पाए। जैक मा जो अलीबाबा के फाउंडर हैं, उन्होंने भी कहा था कि एक लीडर का काम होता है खुद से बेहतर लोगों के साथ काम करने का माहौल देना। आचार्य चाणक्य के श्लोक को हम मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में समझने की कोशिश कर रहे हैं। अगले श्लोक में आचार्य कहते हैं कि जिन लोगों में ये चार गुण नहीं होते वो गरीबी और अभाव में ही जीवन बिताते हैं। इसीलिए ये चार गुण न सिर्फ आपको अच्छा इंसान बल्कि एक कामयाब इंसान बनाएंगे। आचार्य कमजोरी से नफरत करते हैं, ही इज अ डूअर, वो अचीवर्स तैयार करते हैं। इसीलिए उनके सूत्र विनर्स नोट है, रूट टू विक्ट्री है। वहां व्हाट इफ जैसे सवाल पैदा ही नहीं होते। इसीलिए अगर आपको अपना फॉर्च्यून सुधारना है, अपनी किस्मत सुधारनी है, तो अपनी आदतों में इन चार बातों को शामिल करें। अगर आप पहले से ऐसे हैं तो नथिंग बेटर देन दैट, सो यू आर अ प्रो नाउ। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपकी संगत, आपका सर्कल। ये मैं नहीं कह रहा बल्कि आचार्य चाणक्य ने कहा है। पहले सुनते हैं कि उन्होंने क्या कहा है, फिर आगे की बातचीत। तो कहते हैं, गम्यते यदि मृगेन्द्र मंदिरम लभ्यते करिकपोल मौक्तिकम, जम्बुकाल यज्ञते च प्राप्यते वत्स पुच्छ खर चर्म खंडनम। इस श्लोक का अर्थ है कि अगर कोई इंसान शेर की गुफा में पहुंच जाए तो पॉसिबिलिटी है कि वहां से उसे हाथी का सर भी कटा हुआ मिल जाएगा, लेकिन अगर कोई गीदड़ की गुफा में जाएगा तो उसे बछड़े की पूंछ और गधे की खाल ही मिल सकती है। बाय द वे, नो एनिमल वॉज हार्म्ड इन दिस श्लोक। इस श्लोक के जरिए आचार्य चाणक्य हमें हमारा सर्कल सुधारने के लिए कह रहे हैं। यह आपकी पर्सनल से ज्यादा प्रोफेशनल लाइफ के लिए जरूरी है। शेर वाले एग्जाम्पल का मतलब है कि किसी डेयरिंग रिस्क उठाने वाले इंसान से दोस्ती करोगे तो फायदा और नुकसान दोनों की ही पॉसिबिलिटी है, लेकिन कोई डरपोक आदमी अगर आपका दोस्त है तो वो जिंदगी भर बिना कोई स्टेप उठाए ही उजाड़ देगा। किसी ने कहा कि हम जिन पांच लोगों के साथ सबसे ज्यादा समय गुजारते हैं उनके जैसे ही हो जाते हैं। इसीलिए अपना सर्कल बहुत माइंडफुली चुनिए। अगर आपको स्टार्टअप करना है और उसे एक सक्सेस स्टोरी बनानी है तो ऐसे लोगों की संगत में रहिए जिन्होंने ऐसा किया हो। इससे दो चीजें होंगी, एक तो आपका हमेशा ये बिलीफ बना रहेगा कि उन्होंने किया है तो मैं भी कर सकता हूं, दूसरा उनसे आपको ये पता चल जाएगा कि क्या नहीं करना है इन स्टार्टअप। इसीलिए ब्रो, बी वेरी माइंडफुल व्हाइल चूजिंग योर सर्कल। ठीक उसी तरह अगर आपके सर्कल में कोई अल्ट्रा नेगेटिव आदमी है जो लाइफ में बस बुरी चीजें ही इमेजिन कर सकता है, वो धीरे धीरे आपको भी अपने जैसा बना देगा। इसीलिए अगर लाइफ में एक अचीवर बनना है तो चीप थ्रिल से थोड़ी दूरी बनाकर रखिए।
कई दोस्त होते हैं जो अलग अलग वजहों से आपके साथ जुड़े होते हैं। कोई नशे का साथी है, कोई ऑफिस का, किसी का कोई और स्वार्थ है। इसमें बुरा मानने जैसी चीज नहीं है, ये एक साइंटिफिक फैक्ट है कि इंसान एक स्वार्थी प्राणी होता है। इसमें कुछ गलत नहीं है। स्वार्थ को तोड़ कर देखें तो बनता है स्वयं का अर्थ। अपना अर्थ, अपना वर्थ सबसे पहले खुद ही समझना पड़ता है। दुनिया को समझाने की सिचुएशन तो उसके बाद की होती है। इसीलिए अपने टारगेट के हिसाब से अपनी कंपनी चुनिए। ऐसे लोगों से जाकर मिलने में कोई हेजिटेशन नहीं होनी चाहिए जो आपकी हेल्प कर सकते हैं। लाइफ में पोलाइटनेस और सीखने का भाव कभी नहीं छोड़ना चाहिए। आचार्य चाणक्य ने विद्या पर इतना फोकस क्यों किया है? क्योंकि आपकी विद्या आपसे कोई नहीं छीन सकता। आपका स्किल, आपकी क्रिएटिविटी आपसे कोई नहीं छीन सकता। आपका सर्कल इसे आबाद और बर्बाद दोनों कर सकता है। तो फैसला पूरी तरह आपके हाथ में है। आचार्य चाणक्य ने हजारों साल पहले एडवाइस दे दी थी, मैंने उनकी बात आप तक पहुंचा दी है। आगे इट्स योर डिसीजन। अब मैं चलता हूं भाई, अगले एपिसोड की तैयारी भी तो करनी है। मेरे अंदर का स्टूडेंट आचार्य चाणक्य से ओ में है, एंड आई एम श्योर आप भी उतने ही ऑस्ट्रक होंगे। अगले एपिसोड में किसी और इम्पोर्टेंट टॉपिक पर आचार्य चाणक्य की क्लास में हाजिर होंगे। आपका फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहीं से मैं डिसाइड करता हूं कि अगला एपिसोड किस टॉपिक पर बनाऊं। सो कीप सेंडिंग योर लव। टेक केयर।